कोई सीधे तरह से नहीं कर पाता। यह जरूरी है कि उन्हें ऐसे पदार्थों में बदल दिया जाए जिसका उपयोग शरीर कर सके। इस क्रिया को पाचन कहते हैं। पाचन भोजन का पाचन हमारे पितृ अंगों से होता है, इसलिए इस क्रिया को हम देख नहीं सकते। कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन में उपस्थित मंड हमारे मुंह में रहता है। भोजन हमारे सबसे पहले लाल ग्रंथि से ग्रस्थी से ग्रास नली से यकृत से आमाशय से मल मलाशय से छोटी आँख से बड़ी आँख से मलाशय से मलद्वार से बाहर निकल जाती है। चल, मेरा नाम भुवनेश्वर साहू है। मैं कक्षा सातवीं में पढ़ता हूँ। मैं रेशम कीट के जीवन चक्र के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम को पालना पड़ता है, जिसे सेरिकल्चर कहा जाता है। रेशम कीट चार अवस्थाओं में पाया जाता है, अंडा, लावा, प्यूपा की। मादा रेशम कीट अंडे देते हैं, जिनसे लावा बाहर आता है। लावा पत्तियाँ खाकर वृद्धि करता है। लावा के मुंह से विशेष प्रकार का द्रव लार्वा के मुंह से एक विशेष प्रकार का द्रव स्राव होता है, जो कि हवा के संपर्क में आने से तंतुओं से ढक जाता है, जिसे कोकून कहा जाता है। कोकून से लावा प्यूपा में बदल जाता है। प्यूपा के बाद वह रेशम प्राप्त होता है। कोकून परिपक्व हो जाता है, तब उसमें से कीट बाहर हो जाता है और कोकून का उपयोग हम रेशम बनाने में करते हैं। ठीक है। लार्वा निकलते हैं, वह पत्तियां खाकर वृद्धि करते हैं। लार्वा विशेष प्रकार के द्रव का स्राव करते हैं। द्रव उनके मुंह से निकलकर रेशम कीट को पालना कहलाता है। यह चार अवस्थाओं में पूरा होता है।